गुजरात में बरसाती नाले में डूबकर चार बच्चे जान बहक, चारों बच्चों की लाशें नाले से निकाल ली गई। जान बहक होने वाले बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के मसीहाओं को शहरियों की जान बचाते बचाते खुद अपनी जानों के लाले पड़ गए। कांगो वायरस से एक डॉक्टर जान भाग जबकि दो नर्सों समेत 5 अफराद मुतासिर हुए। लाहौर के बाद डस्का में भी बच्चों के अगवा के वाकयात, 4 रोज कबल लापता होने वाले 3 बच्चों का ताहाल सुराग ना लगाया जा सका। वालिदैन आंखों में उम्मीद के दीप जलाए बच्चों की राह तकते रहे। दरियाई कटाव के बायस जतोई के नवाही गांव के सैकड़ों एकड़ राजी दरिया बुद हो गई। 25 साल पुराने बंद के टूटने का खदशा, इलाका मकीनों ने हुकूमत पंजाब से हिफाजती इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। महकमे सेहत की लापरवाही, बुनियादी मरकज सेहत मलिकपुर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। हेल्थ सेंटर का इहाता खेल का मैदान बन चुका है। इलाका मकीनों का बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। नवाही गांव कासिम अबरू में वाकई मिडिल स्कूल में मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान चोरों की चांदी हो गई। नामालूम चोर पंखे, कुर्सियां, वाटर कूलर और दीगर सामान ले उड़े। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई से गुरेजा है। खैरपुर में जश्न जमहूरियत फेस्टिवल का इनेकाद, सखर घोटी और नौशेरों फेरों से भी फैमिलीज की भरपूर शिरकत। शुरका ने सेल्फियां बनाई और खूब खाबे भी खाए। खैबर एजेंसी में बारातियों की वैन सैलाबी ड्रेले में बह गई। हादसे में 15 अफराद जान भाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिशावर पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 अफगान बाशिंदों समेत 52 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा और मनशियात भी बरामद कर ली गई। मुल्क में बिजली की कमी दूर करने के लिए फलाही तंजीमें भी मैदान में आ गई। चित्राल में 150 केवी का पन बिजली घर मुकम्मल कर लिया गया। अंधेरे दूर होने से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एफसी की कार्रवाइयां, कलदम तंजीम के 3 सहूलतकारों समेत 13 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। गुजरात में बरसाती नाले में डूबकर 4 बच्चे जान बहक हो गए। चारों बच्चों की लाशें नाले से निकाल ली गई हैं। गुजरात में टांडा के इलाके से बरसाती नाले में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। जराए के मुताबिक बच्चे बरसाती नाले में नहा रहे थे कि उन्हें पानी का रेला बहा कर ले गया। डूबकर जान बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 8 से 10 साल के दरमियान है। वाकये के बाद अहले इलाका की बड़ी तादाद बरसाती नाले के किनारे जमा हो गई। मकामी अफराद और गोताखोरों ने कई घंटे की जिदोजहद के बाद बच्चों की लाशें नाले से निकाल ली। बच्चों के जान बहक होने पर उनके वालिदैन और रिश्तेदार जारो कतार रोते रहे। लाहौर के बाद डस्का में भी बच्चों के अगवा की खबरें आम होने लगी हैं। 4 रोज कबल लापता होने वाले 3 बच्चों का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस लापता बच्चों की तलाश में मसरूफ है जबकि वालिदैन रोजाना आंखों में उम्मीद के दीप जलाए बच्चों की राह तकते रह जाते हैं।
लाहौर के बाडस्का में भी बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात रोनुमा होने लगे हैं। नवाही गांव जाम के चीमा से चार रोज कबल एक ही खानदान के तीन बच्चे गायब हो गए। बच्चों के वालिदैन के मुताबिक गुमशुदगी का वाकया मंगल को पेश आया जब वो बच्चों को घर में छोड़कर काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए। वापस आने पर तीनों बच्चे गायब थे। गायब होने वाले बच्चों में 14 साल महक, 8 साल अबू बकर और 5 साल बच्ची पेचो शामिल है। वालिदैन के मुताबिक उन्होंने करीबी देहात की मस्जिद में ऐलानात भी करवाए, लेकिन 4 रोज गुजरने के बावजूद बच्चों का कुछ पता न चल सका। लापता बच्चों के वालिदैन कैसर और साजदा बीबी का कहना था कि वो गुज़िश्ता रोज रपट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस ने इजहार हमदर्दी के बजाय उन्हीं से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक उनके बच्चों की तलाश के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ताहम थाना मोतरा पुलिस ने लापता बच्चों के वालिद कैसर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। खानका डोगरा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की गैर हाजिरी की वजह से खातून जान भाग हो गई। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर वर्सा सरापा एहतजाज बन गए। खानका डोगरा के नवाही गांव की रहायशी 50 साल आसिया बीबी को सांस की तकलीफ हुई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर खानका डोगरा पहुंचाया गया। हेल्थ सेंटर में तैनात डॉक्टर हस्बे मामूल ड्यूटी औकात होने के बावजूद अस्पताल से गायब था। इस दौरान मरीजा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। वरसा ने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि जब वो मरीजा को हेल्थ सेंटर लाए तो डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। इत्तला करने पर 1 घंटा ताखीर से पहुंचा, मगर इस दौरान मरीजा चल बसी। डॉक्टर अपनी ड्यूटी तो मौजूद नहीं थी। उस तो बाद डिस्पेंसर ने चेक किया, कोई गैस नहीं लाई, कोई कुछ नहीं किया। जनाब उन्होंने डेथ हो गई। डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल च नहीं है। बाद जनाब जो तो वालदा फोत हो गई है, बुजुर्ग फोत हो गए ने, फिर उस तो बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर आके गल करता है, असं अगर डॉक्टर साहब थोड़ी तखीर की वजह से कम होया, लेट की वजह तो डॉक्टर को ऑर्डर देता भी जाओ जो होंगे जो कर लो। उनका कहना था कि चंद रोज कबल एक हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से जां बहक हो गए थे। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालिका डॉक्टर को हटाने और इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया कटाव के बाद जतोई की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुद हो गई। जतो गिना नवाही इलाके मोजा रामपुर में 25 साल पुराना सुपरबंद इंतजामिया की लापरवाही के बायस दरिया की नजर हो रहा है। दरिया कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी तबाह हो गई है। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। मुतासरीन का कहना था कि जरिए अराजी जेरे आब आने से उनका लाखों का नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि इंतजामिया की जानिब से दावे तो किए गए, मगर अमल अभी तक कुछ नहीं किया गया। नाज़िम मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू तौंसा बेराज के मकाम पर कायम राबता पुल टूट गया है। पुल टूटने से करीबी बस्तियां जेरे आब आ गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मियां अजहर से। मियां अजहर बताइएगा, पुल टूटने से कितना नुकसान हुआ है और इस हवाले से क्या इमदादी कार्रवाइयां अब तक की गई हैं? बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर तौंसा बेराज पर आके सुपर पुल टूट गया है। मुतअद्दिद बस्तियां जेरे आब आ चुकी हैं और जमीनी रास्ता भी मुनकता हो चुका है। हाकी सुपर पुल टूटने से 3 मौजूदात जमीनी रास्ता कट गया है। लोग अपने घरों में फंस कर रह गए। इंतजामिया की तरफ से कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां सर। आगे बढ़ते हैं। मंडी बहाउद्दीन में सेम नाले का बंद 2 जगह से टूटने के बाद 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी। अवाम अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर कर रहे हैं। मजीद अपडेट्स देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज शहजाद वड़ाइट से। शहजाद बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के गांव लाखा कदर में सेम नाला का बंद जो है 2 जगह से टूट गया है। 20 फुट चौड़े शगाब से सेम नाला के करीबी 3 देहातों की सैकड़ों एकड़ जरी अराजी, जिसमें धान की फसल समेत मुख्तलिफ अकसाम की फसलें काश्ती, जेरे आब आ चुकी हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बताता चलूं कि मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत शगाब तो पुर करने में मसरूफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिले इंतजामिया और तहसील इंतजामिया की इस सलाबी सूरत हाल में अदम दिलचस्प पर सरापा एहतजाज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद बड़ाज।
शकरगढ़ और गिरदोनवाह में शदीद बारिश के बाइस दरिया रावी समेत नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई है, जबकि इंतजामिया ने कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए। शकरगढ़ और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से दरिया रावी समेत इलाके में बहने वाले नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है, जबकि सरकारी हुक्काम ने अमले का दौरा नहीं किया, इलाके का दौरा नहीं किया और ना ही इस सिलसिले में कोई इकदाम उठाया है। इंतजामिया और महकमा आबपाशी समेत मुतालिका हुक्काम की इस गफलत पर इलाका मकीन अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। उन्होंने विफाकी हुकूमत से इस गफलत का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मौजा अतुचक जंडेर जलाला समेत दीगर देहात के लोगों ने एहतजाज करते हुए हिफाजती बंदों को मजीद बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। मंडी शाहजीना के नवाही गांव में नहर में शगाव पड़ने से करीबी बस्तियां जेरे आब आ गई हैं, खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मंडी शाह जीवना के नवाही गांव में लॉयड जेहलम के नाल में अचानक बंध टूट गया। शगाफ पड़ने के बाद पानी ने देखते ही देखते करीबी बस्तियां भी डबो दी। शगाफ पड़ने के बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी जेरे आब आ गईं। महकमा एनहार ने हसबे रवायत ना अहली का मुजाहरा किया। ताहम 24 घंटे के बाद इमदादी टीमें पहुँची और अहले इलाका के साथ मिलकर शगाफ को पुर किया गया। अवाम का कहना था की महकमा एनहार ने ना अहली की इंतहा कर दी है। उनका कहना था की जिला इंतजामिया का अभी से ये हाल है तो आगे जाकर सख्त सूरत हाल में तो इन्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां होने वाली मूसलाधार बारिश ने महकमे वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ये कोई नदी नाले या कोई दरिया नहीं, ये तो मानसून की हल्की सी बारिश ने झलक दिखाई है। बारिश तो क्या हुई, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये सड़कों गलियों में पानी का जमा होना वासा की नाअहली का सबूत है। आइंदा आने वाली बारिशों से डर लगता है कहीं फैसलाबाद पानी की नज़र ना हो जाए। ये बारिशों का पानी और सीवरेज का गंदा पानी मिलकर बीमारियों का सबब बनता है। आने वाली मानसून की बारिशों से एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए ताकि रास्ते कठिन होने की बजाय सहल हो जाए। गुजरांवाला में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बहस के दौरान वार्डन और वकील गुथम गुथा हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। गुजरांवाला में डीसी ऑफिस के सामने ट्रैफिक वार्डन ने वकील को रुकने का इशारा किया, जिस पर वकील मुश्तिल हो गया और दोनों में तलकलामी हो गई। मामला हद से बढ़ा तो नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। तैश में आए दोनों अफराद ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ट्रैफिक वार्डन और जुल्फिकार गुराया नामी वकील ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया। लड़ाई के दौरान शहरियों की कसीर तादाद मौके पर इकट्ठी हो गई और जी भरकर तमाशा देखा। वाकई की इत्तला मिलने पर करीबी थाने की पुलिस भी वहां पर पहुंची, जिन्होंने मौके पर आकर ट्रैफिक वार्डन और वकील में बीच बचाव कराया। शेखुपुरा में 18 साल नौजवान के मुबैना अगवा के खिलाफ वरसा सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहरीन ने टायर जलाकर शेखुपुरा रोड बंद कर दी है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। बेगमकोट मियां कॉलोनी के नौजवान अवैस अशरफ के मुबैना अगवा के खिलाफ अहले खाना और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि पुलिस नौजवान की बाजियाबी के लिए ताबून नहीं कर रही। 18 साल अवैस अशरफ सुख दुकान पर जाने के लिए घर से निकला, लेकिन रास्ते से लापता हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चार नामालूम अफराद कैरी डब्बे में आए और अवैस को अगवा करके ले गए। दूसरी जानिब SHO शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया के मुताबिक नौजवान खुद ही घर से भाग कर सियालकोट चला गया है। शेखुपुरा रोड पर एहतजाज के दौरान बेगमकोट चौक और इतराफ में शदीद ट्रैफिक जाम रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक जाम से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फराज निजाम, वक्त न्यूज, लाहौर। नुआई वक्त ग्रुप की जानिब से कारकुनान को तफरी फराहम करने के लिए स्पोर्ट्स वीक का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में स्नूकर के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। देखते हैं लाहौर से बुरहानुद्दीन की इस रिपोर्ट में। डिपार्टमेंट नवाइबक ग्रुप की जानिब से फास्ट मार्केटिंग, सिटी गार्डन और फ्रेशर जूस के इश्तराक से कारकुनों के लिए स्पोर्ट्स गाला के पहले रोज स्नूकर के मुकाबले हुए। रंगारंग तकरीब में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एडिटर दी नेशन सलीम बुखारी, हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट चौधरी शफीक सुल्तान, कंट्रोलर न्यूज वक्त न्यूज हशाम यूसुफ, चीफ न्यूज एडिटर रोजनामा नवाइबक दिलावर चौधरी, सीनियर सहाफी नदीम बसरा और टेक्निकल हेड कैसर नदीम मौजूद थे। नवाइबक स्नूकर चैंपियनशिप में कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
नॉकआउट राउंड के जरिए 16 टीमों के दरमियान मैचेस हुए। एचआर हेड शफीक सुल्तान ने स्नूकर की शॉट खेलकर गेम का आगाज किया। एडिटिंग हेड हाजी अली खान और रिपोर्टर वक्त न्यूज रफीक सुल्तान ने बेहतरीन शॉट खेलकर चैंपियनशिप का फाइनल अपने नाम कर लिया। मुलाजमीन ने सेहतमंद सरगर्मियों के इनेकाद पर ग्रुप इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में खेलों की मजीद तकरीबात मुनक्किद कराने की ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरे मरहले में इतवार के रोज बैडमिंटन जबकि अगले हफ्ते क्रिकेट के मुकाबले भी मुनक्किद कराए जाएंगे। कैमरामैन एआर रहमान के साथ बुरहानुद्दीन, वक्त न्यूज लाहौर। आगे बढ़ते हैं, खबर है रहमिया खान से, जहां महकमे सेहत की लापरवाही से कीमती गाड़ियां कबाड़ बन गई हैं। गाड़ियों से कीमती सामान भी चोरी होने लगा है। महकमा हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमे सेहत को दी जाने वाली दर्जनों गाड़ियां इंतजामिया की गफलत से खड़ी खड़ी खटारा बन गई हैं। गाड़ियों से कीमती सामान भी निकाल लिया गया। इन गाड़ियों के टायर भी मार्केट में फरोख्त कर दिए गए और अब वो टायरों के बजाय ईंटों पर खड़ी हैं, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का टीका लग गया है। दूसरी तरफ महकमे सेहत के हुक्काम कई बार तवज्जो दिलाने पर भी नींद से ना जागे और ना ही इस सिलसिले में कोई एक्शन लिया गया। राजनपुर के नवाही इलाके में अगवा के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। राजनपुर के नवाही इलाके नौशहरा शर्की के मकीनों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि चंद रोज कबल मुलजिमान इमरान और सज्जाद ने अपने तीन साथियों के हमरा गन पॉइंट पर मोहम्मद कलीम को अगवा किया और जंगल में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तहम शोर मोहम्मद कलीम के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग करते हुए फरार हो गए। उनका कहना था कि पुलिस बासर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय उन्हें मुख्तलिफ मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रही है। मुजाहरीन ने वजीर आला पंजाब और आई जी पंजाब से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। विहाड़ी थाना माछीवाल की पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के औरतों की मेहंदी प्रोग्राम में जा घुसी। मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज बन गया। विहाड़ी के नवाही गांव 21WB के रहायशी अब्दुस्तार ने मीडिया को बताया कि मेरे बेटे मोहम्मद वकार की शादी की तकरीब कुछ दिन कबल दरमियानी शब तकरीबन 12 बजे के करीब घर में खवातीन की मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था कि अचानक थाना माछीवाल की पुलिस सादा लिबास में SHO मलिक रियाज व दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए हमारे घर घुस गए। खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इन्हें पुलिस गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगे, मगर अहले महल्ला और दीगर अफराद नंबरदार मोहम्मद सदीक ने मिन्नत समाजित करते हुए पुलिस के कब्जे से औरतों को छुड़वा लिया। मेरी बच्ची नु गड्डी दे विच बाया, मैं हाथों पाई की थी पुलिस वाले ना, मैं क्या तुसी मनु ले जाओ मेरी बच्ची नु को बाया, मेरे ना जासी की थी ले जा मनु साफ चाहिए। मैं अपनी तीन भी अग ला लेनी है, मैं अपने आप नु भी अग ला लेनी है। सानू इंसाफ इस गल का चाहिए, इन्हें मेरी बच्ची गड्डी च सुट्टी है, सानू इन्हें मारिया वाहन खिंचया त्रुया है, सानू इन्हें साडे नाल बड़ी जासत कीती है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि थाना माछीवाल पुलिस ने इनके घर दाखिल होकर तोड़फोड़ की और घर की तलाशी के दौरान इनका सामान भी तोड़ डाला। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना माछीवाल ने मुबैना तौर पर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नजीर डूटी और मनीर डूटी वगैरह के कहने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और रात तकरीबन 2 बजे के करीब हमारे अजीज मोहम्मद रमजान को उठाकर ले गई। महकमे सेहत की लापरवाही के बायस मलिकपुर के बुनियादी मरकज सेहत की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। चार दीवारी का न होने की वजह से हेल्थ सेंटर का इहाता खेल के मैदान में तब्दील हो चुका है। 40,000 आबादी पर मुश्तमिल तारीखी कस्बा जज्जा अबासिया और गिर्दोनवाह इलाकों का वाहिद बुनियादी मरकज सेहत मलिकपुर, जिसकी इमारत इंतहाई बोशीदा हो चुकी है, हेल्थ सेंटर में कायम कमरे और क्वार्टर टूट फूट का शिकार हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। हेल्थ सेंटर में तैनात डॉक्टर्स भी ड्यूटी से गायब रहते हैं। बुनियादी मरकज सेहत की चार दीवारी न होने की वजह से अहले इलाका ने उसके अहाते में जानवर बांध रखे हैं। सबके शाम चौपात में यहाँ नौजवान मुख्तलिफ खेल खेलते नजर आते हैं। इलाका मकीनों का यह कहना है कि बुनियादी मरकज सेहत में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस उन्हें दूसरे इलाकों में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जिली इंतजामिया और महकमे हेल्थ इमारत की तामीर और डॉक्टर की तैनाती के लिए
ملک میں دودھ اور گوشت کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر گورنمنٹ لائف سٹاک تجرباتی فارم فاضل پور کو نئے سرے سے فعال کر دیا گیا ہے۔ یہ تجرباتی فارم 1972 میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں صرف ساہیوال نسل گائے کی افزائش کی جاتی تھی۔ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب داجل نسل کی گائے اور بیل کی پرورش کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے ختم ہوتی ہوئی نایاب نکری نسل کے بکرے بکریاں اور متری نسل کی بھیڑوں کی افزائش بھی جاری ہے۔ جانوروں کی بہتر افزائش و پرورش کے لیے نئے شیڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ جانوروں کے لیے مقامی طور پر چارہ وغیرہ کی کاشت کے لیے نئی مشینری کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ تجرباتی فارم کے انچارج عامر محمود بخاری کا کہنا ہے، ایکسپیریمنٹل اسٹیشن فاضل پور کے نام کے حوالے سے یہاں پہ ریسرچ جاری ہے، جس میں نئی قسم کے سبز چارہ جات کے بیج کا بھی خود سے اہتمام کیا گیا ہے، خود سے اس پہ ریسرچ شروع کر دی گئی ہے۔ اس طرح اگر ملک بھر میں موجود لائف سٹاک فارمز پر توجہ دی جائے تو دودھ اور گوشت دوسرے ملکوں کو برآمد کر کے خطیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، راجن پور کی دینی درسگاہ کے طلباء نے اساتذہ کی نگرانی میں پکنک منائی اور خوب موج مستی کی۔ کوٹ مٹن مدنیہ چوک پر واقع دینی درسگاہ جامع مسجد مدنیہ، جس میں بچوں کو حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے، مسجد کے محتمم حاجی عبدالعزیز کی طرف سے طلباء کو ہر سال گرمیوں کے موسم میں تفریح بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ چنانچہ جامع مسجد مدنیہ کے طلباء اور اساتذہ شہر کے قریب آم کے باغات میں جا کر خوب انجوائے کیا۔ بچوں نے باغ کے بیچ میں گزرنے والی چھوٹی نہر میں ڈبکیاں لگا کر لطف اندوز ہوئے، تو بڑوں نے دینی تعلیمات کو بھی اس تفریح کا حصہ بنایا۔ اس وقت آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کابینہ اراکین کے ساتھ اس وقت مزار قائد پر موجود ہیں اور حاضری دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور کابینہ اراکین مزار قائد پر پہنچے ہیں حاضری دینے کے لیے۔ یہ مناظر آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے کابینہ کے اراکین مزار قائد پر پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے حاضری دی جا رہی ہے، اور کل ہی ان کی جانب سے حلف بھی اٹھایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور خبر آپ کو دیں کہ رینالا خود کی چھوٹی سی نہر پر 1912 میں لگائی جانے والی پنچکی 104 سال گزر جانے کے باوجود اپنی افادیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس چکی کے پسے آٹے کے روٹی لذت اور غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ کئی گھنٹوں تک تازہ بھی رہتی ہے۔ ایک صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود دو باری دواب سے نکلنے والی چھوٹی سی نہر پر رینالا خورد کے قریب قائم پنچکی آج بھی کئی دیہاتوں کو گندم کا آٹا پیس کر دے رہی ہے۔ اس چکی کا پسا آٹا نہ صرف لذت اور غذائیت سے بھرپور ہے، بلکہ اس سے تیار کی جانے والی روٹی کئی گھنٹوں تک تازہ بھی رہتی ہے۔ ترقی کے اس دور میں جہاں تیز رفتار سے چلنے والی چکیاں اور فلور ملز قائم ہو گئی، لیکن اس سست رفتار پن چکی سے پسے آٹے کی افادیت بدستور قائم ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے چلنے والی یہ پن چکی صوبائی محکمہ آبپاشی کے زیر کنٹرول ہے، جسے یومیہ کرائے پر نیلام کیا جاتا ہے۔ محکمہ آبپاشی اس پن چکی سے بہت سا منافع حاصل کر چکا ہے۔ اگر اس پن چکی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہروں پر چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز قائم کر دیے جائیں تو کسی حد